आप सभी का मेरे चैनल इजी सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज मैं संस्कृत विषय में एक प्रकरण प्रारंभ कर रहा हूँ। यह मेरा पहला प्रकरण है। अगर आपको कोई त्रुटि दिखेगी तो आप कृपया अवगत कराएंगे और उदारता पूर्वक इसको सुनने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं कुछ संस्कृत सुभाषितों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ श्लोक हैं जो मुझे अति प्रिय हैं और उनका मैं सरलीकरण करके हिंदी में भी आपको अर्थ बताने की चेष्टा करूंगा। पहला है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। मतलब जो अभिवादनशील हैं, जो नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, उनके चार गुण सदैव बढ़ते रहते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दूसरा है, नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तप, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। यानी विद्या के समान कोई चक्षु नहीं है, यानी विद्या एक नेत्र के समान है, सत्य के समान कोई तप नहीं है, राग के समान कोई दुख नहीं है। अगर हम किसी से राग जोड़ते हैं तो ये दुख का कारण बन जाता है, और त्याग के समान कोई सुख नहीं है, यानी कि त्याग परम सुख है। अगला श्लोक है, गते शोको न कर्तव्यम भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तेन्ति विचक्षणा। मतलब जो बुद्धिमान है वो गए हुए का शोक नहीं करते और भविष्य की चिंता भी नहीं करते हैं, वो वर्तमान काल में ही अपना ध्यान लगाते हैं और यही उनका विशेष गुण है। यानी वो अपने मन को विभिन्न कालों में भटकाने की बजाय अपने कार्यों को वर्तमान में करने का प्रयास करते हैं। अगला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कि उद्यम से ही समस्त कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। जैसे एक सोते हुए सिंह के मुख में स्वयं हिरण प्रवेश नहीं करता है, उसके लिए उसे उसका शिकार करना पड़ता है। अगला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। कि पृथ्वी पर तीन अनुपम रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, यानी कि उच्च कोटि का साहित्य। लेकिन जो मूर्ख हैं वो पत्थरों में रत्न खोजने का प्रयास करते हैं, ये उनकी मूर्खता है। अगला श्लोक है, क्षमा बलम शक्तानाम शक्तानाम भूषणम क्षमा क्षमा वशीकृते लोके क्षमया किम न सिद्ध्यति। मतलब क्षमा निर्बलों या अशक्त लोगों का बल है और शक्तिवान लोगों का क्षमा आभूषण है, और क्षमा से इस लोक में हम किस चीज को वश में नहीं कर सकते हैं और कौन सा ऐसा कार्य है जो क्षमा द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपको मेरा प्रस्तुतिकरण अवश्य पसंद आया होगा। आप कृपया मेरे चैनल इजी सॉल्यूशंस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।